हाय, मेरा नाम पूनम है। सब जानते हो मुझे, जानते होंगे कुछ लोग, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। और मैं आज एक यूट्यूबर के लिए बात करना चाहती हूँ, इंडियन ट्विंस मम्मी शीतल, मुझे उनका नाम शीतल है। मेरी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मतलब वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, मतलब अभी शुरुआत की है उन्होंने, तो उनके लिए काफ़ी मतलब भला बुरा बोल रही थी वो, तो क्योंकि ईगो है उनको, मतलब पता नहीं क्या समझते हैं खुद को ऐसे वैसे। मैंने कहा देखो भाई सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नेचर वाइज ही बहुत अच्छे हैं और हम उनसे मिलकर भी आए हैं, क्योंकि वो हमारी सिटी से है। मैं कोल्हापुर से हूँ और वो वहाँ से, हमारे सिटी से 1 घंटे का रन है। मैं खास उनसे मिलने के लिए गई थी, 1 दिन पहले गई थी, तो उनके घर पे ताला था, पूरा ढूंढा हमने, मतलब 2 घंटे तो हमें ढूंढने में लग गए, उनका घर कहाँ पर है कहाँ पर है, पूछ पूछ के मतलब पहुँचे हम, तो वहाँ पे ताला था, तो ताला था वहाँ पे। तब हमने अपनी नई एक्सयूवी ली थी जो खड़ी है बाहर, हमने नई एक्सयूवी ली थी। मैं अपने पापा के घर गई थी कोल्हापुर, तो मुझे उनसे भी मिलना था, मुझे बहुत क्रेज था उनसे मिलने का, और उन्हीं को ही देख के मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। नहीं तो पहले मुझे कुछ भी नहीं था इतना, नहीं पहले मुझे इतना कुछ क्रेज़ नहीं था यूट्यूब का। मैंने पहला ब्लॉग मैंने शीतल जी का ही देखा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये सॉरी, ये पिल्लू हैं टेडी के, और उनका ब्लॉग मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, मैं डेली देखती थी, मतलब 1 दिन में मैं उनके 4 ब्लॉग तो देखती थी पुराने वाले, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन्हीं को ही देख के मेरे मन में इच्छा जागी कि भी मैं भी चालू करूं। तो 1 साल पहले मैंने चालू किया था, पर बीच में 6 महीने का मैंने गैप दे दिया था, क्योंकि शेखर के पापा ऑफ हो गए थे, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो मुझे पसंद नहीं है जो मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी उनके लिए भला बुरा, मैंने कहा वो ऐसी नहीं है, बहुत अच्छे नेचर वाइज हैं। और हम जब गए थे मिलने, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की, कोई ईगो नहीं, एटीट्यूड नहीं कि भाई वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है, ऐसा कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी थी। हम दूसरे दिन गए थे फिर, उस दिन तो वो नहीं थे, तो उनके घर के बाहर हमने फ़ोटो भी खींचा। फिर हम नेक्स्ट डे गए थे, तो वो कह रहे थे कि भाई आप हमें फ़ोन कर देते तो हम आ जाते, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को ऐसे डिस्टर्ब करना। तो हम दूसरे दिन गए थे, मिले अच्छे से, और उनकी दो बहुत क्यूट बेबीज़ हैं, सोमेश्री और गणेश्री, वो तो खुशी को छोड़ ही नहीं रही थी। सोमेश्री तो इतनी मिक्स हो गई थी ना खुशी के साथ, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, छोड़ ही नहीं रही थी वो, अपनी मम्मी के पास भी नहीं जा रही थी, तो इतनी खुश हो गई थी गणेश्री। पहली बार ही मिले थे अपन, पर मैं इसलिए उनको बताना चाहती हूँ, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है नेचर वाइज, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं, और मैं उनसे बात भी करती हूँ, कांटेक्ट में भी हूँ। उन्होंने अपने सामने से, उन्होंने मुझे मेरा मतलब अपना नंबर दिया था मुझे, कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोल्हापुर आऊँ तो वहाँ पे उनके पास आऊँ, मैं पक्का आऊँगी। और मैं भी उनको काफ़ी बार बोल चुकी हूँ आप यहाँ पर आइए, कला बहुत तो करें, काफ़ी बार मैं बोल चुकी हूँ उनको यहाँ पर आइए, कच्छ में हमारे आइए, गांधीधाम आइए, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक, टाइम नहीं मिलता है। और वो भी सही बात है, 2 बच्चे हैं उनके ट्विंस, उसके बाद यूट्यूब का काम होता है, घर का काम होता है, कितने सारे काम होते हैं। अब मैं खुद ही नहीं निकल पा रही हूँ घर से, अभी मेरे बच्चों के भी फाइनल एग्ज़ाम है अभी फेब से, तो मेरा तो निकलना मुश्किल है अभी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, बहुत 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 अच्छी हैं, मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, शीतल जी की। दूसरे यूट्यूबर का भी मैं देखती हूँ, पर उनका मुझे नहीं पता कि वो नेचर वाइज कैसे हैं, पर शीतल जी को तो मैं जानती हूँ, उनसे मैं मिली हूँ खास जाके, और उनके वीडियो मतलब क्लिप भी हैं मेरे पास,
उनके शॉप में हमने फोटो फोटो भी खिंचवाए थे, बच्चों ने और मैंने, शीतल जी ने, खुद ने। और ऐसे अभी जैसे बारिश हुई थी, अभी जैसे महाराष्ट्र में इतनी बारिश हुई थी, आप सबको पता होगा, तो मेरी फैमिली से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था कोल्हापुर में। तो मैंने नितेश भैया को बोला था, शीतल जी को बोला था, उन्होंने बोला आप नितेश भैया से बात कर लीजिए। तो मैंने नितेश भैया से बात की थी, फिर उनके हस्बैंड, तो फिर उन्होंने, बेचारों ने भी हेल्प की हमारी कि भाई मतलब हेलीकॉप्टर्स आए हैं, उठा मतलब लेके जा रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरा पानी भर गया था, आपको शायद पता हो अभी जो इस बार बारिश हुई थी। तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की मेरी कि भाई मतलब सब सेफ है वहाँ पे, सब अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे हैं। तो मुझे नहीं पसंद आया, मेरे फ्रेंड्स ने ऐसे बात की उनके लिए, तो इसलिए मैं उनको बताना चाहती हूँ, शीतल ऐसी नहीं है, वो नेचर वाइज बहुत 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 अच्छी है, हेल्पफुल है। नो एक मिनट, चलो जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ। सॉरी, टेडी का पिल्लू है ना, वो बाहर जाना चाहता था, तो मैं वही बताऊंगी उनको, मैं क्लिप्स भी दिखाऊंगी। उसको यकीन नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं नहीं आप ऐसे ही बोल रहे हो। उन्होंने अभी अभी यूट्यूब चैनल चालू किया है, मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ, सॉरी। तो वो कह रहे हो आप झूठ बोल रहे हो उनके लिए ऐसे वैसे। मैं झूठ क्यों, इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है यार, जो सच है वो सच है। हम गए थे मिलने, हम मिलकर आए उनसे, और नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं वो। और मुझे कुछ काम होता है, कुछ लेना करना होता है, तो मैं उनको बोल देती हूँ, भेज देते हैं यहाँ पे। और उन्हीं को देख के मुझे मतलब यूट्यूब का हुआ कि भाई यूट्यूब में चालू करूँ, मेरी इच्छा हुई। 1 साल पहले मैंने चालू किया था, पर बीच में 6 महीने का मैंने बताया आपको गैप हो गया था, शेखर के पापा ऑफ हो गए थे, तो इसीलिए फिर मैंने फिर अभी कंटिन्यू किया, नवरात्रि से मैंने फिर कंटिन्यू किया। तो मुझे वो कुछ नहीं है कि भाई मुझे पैसे चाहिए यूट्यूब से या क्या, बस एक होता है ना देख देख के कि भाई मतलब शीतल जी कर रहे हैं, तो मतलब एक इच्छा होती है कि भाई हम भी करें ऐसे, भगवान की दया से वो कुछ नहीं है, हमें सब कुछ अच्छा है। शेखर का ट्रांसपोर्ट का अपना खुद का बिजनेस है, और अच्छी खासी गाड़ियाँ चल रही हैं, हमें वो कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो कुछ लोग बोलेंगे पैसों के लिए कर रहे हो, पैसों के लिए कर रहे हो, भगवान की दया से सब है। बस एक क्रेज होता है ना कि भाई एक इच्छा होती है अंदर से कि मतलब शीतल जी को देख के मतलब मुझे भी इच्छा हुई, और किसी को देख के मेरी इच्छा नहीं हुई, और ना मैं किसी का देखती थी, मतलब मैं सिर्फ शीतल जी का ही देखती थी। उसके बाद धीरे धीरे दूसरों का आने लगा, जैसे सोमाली है, उसके अलावा प्रियंका है, बस गिने चुने का ही मैं देखती हूँ। शीतल तो फर्स्ट है, उसके अलावा सोमाली जी का आता है, उसके अलावा प्रियंका का आता है, प्रियंका का भी अच्छा लगता है, और बस ये गिने चुने 3-4 ही हैं, और तो ज़्यादा नहीं है। शीतल जी का भी बीच में नहीं आ रहा था, मतलब मुझे वो हो गई थी, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा वीडियो, आ क्यों नहीं रहा है। पर मैं ऐसे फ़ोन करके परेशान भी नहीं करती कि आपका वीडियो क्यों नहीं आया, आपका वीडियो क्यों नहीं आया। वो भी शायद बिजी हो सकते हैं कहीं पे, अभी 2 दिन से आ रहे हैं उनके, अपने मम्मी के यहाँ गए हुए हैं, तो बीच में नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता, एक आदत सी हो जाती है ना, डेली देखना है, डेली देखना है, आदत हो चुकी है। तो अभी शायद वो भी बिजी हो सकते हैं, उनके बच्चे हैं, 2 छोटे, घर के काम होते हैं। तो अभी मैंने 2 दिन से ब्लॉग देखा, उनके आ गए ब्लॉग, मम्मी के यहाँ गए हुए अपने, तो मुझे तो नेचर वाइज बहुत अच्छे लगते हैं वो। और मेरे पास कुछ फोटोज़ भी हैं उनके, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी, आप देख लेना, आपको यकीन आ जाएगा, जो मेरी फ्रेंड्स हैं मैं उनको बोल रही हूँ, आपको ज़रूर यकीन आ जाएगा। और उनके इसकी मतलब तू तू मैं में हो गई, हम 4 फ्रेंड्स हैं, तू तू मैं में हो गई। मैं ठीक है, आपको बात नहीं करनी तो मत करो, पर ऐसे झूठ मत बोलो ऐसे किसी के लिए, वो होता है थोड़ी नहीं, फिर खुद ही नॉर्मल हो जाएगी, खुद ही बात करेगी।
शीतल जी, मैं आपको भी बोल रही हूँ, अगर आप देखोगे तो प्लीज़ नेगेटिव में मत लेना। मैंने बोल मेरी फ्रेंड्स के आपके लिए भला भला बोल रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। और मैं आपकी तो बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको भी पता है, आपसे मिलने के लिए मैं आई थी खास गुजरात से। मैं यहाँ गुजरात में रहती हूँ और मेरे पापा कोल्हापुर में रहते हैं। उनका घर हमने 2 घंटे तक, आप मानोगे नहीं, 2-2.5 घंटे हो गए उनका घर ढूंढते ढूंढते ढूंढते, फिर आखिर में मिला घर मिला तो वो नहीं मिले। फिर हम नेक्स्ट डे गए तो उन्होंने बेचारों ने बोला भी कि खाना खा लो, घर पर आओ, ऊपर आओ, पर हमें इतना टाइम नहीं था क्योंकि नेक्स्ट डे हमें वापस निकलना था रिटर्न गुजरात के लिए। तो हमारी कार में भी बैठे थे, एक्सयूवी में, नई कार ली थी, हमारे साथ बैठे, लॉन्ग ड्राइव पे चले। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई सही में। अभी दोबारा मुझे मौका मिला कोल्हापुर जाने का, कुछ मतलब बीच में हुआ, तो मैं ज़रूर ज़रूर जाऊंगी उनके पास मिलने के लिए। पर आप प्लीज़ गलत मत बोलना शीतल जी के लिए, वो नेचर वाइज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला इतना दुख रहा है, आपको पता है कितने दिन से मेरे गले की वाट लगी हुई है, और मैं अभी दवाई भी लेकर आई हूँ। तो शीतल जी प्लीज़ गलत वे भी मत लेना कि भाई फिर कोई बोलेगा कि भाई आपके ऊपर किसी ने ब्लॉग बनाया, आपके ऊपर किसी ने ब्लॉग बनाया, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं सिर्फ बता रही हूँ अपने फ्रेंड्स को कि भाई वो वैसे ही बिल्कुल नहीं है, प्लीज़, ठीक है ना। और मैं थोड़ी सी क्लिप डाल दूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड, जो हम आए थे आपसे मिलने के लिए, फ़ोटोज़, बच्चों के फ़ोटोज़ थोड़े मैं डाल दूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है ना। मैं क्लिप डाल देती हूँ, आप देख लेना, ठीक है। लो खुशी लो अगर नौ को ताई रहे और सुमालो पाल अगर मैं मम्मा है मैं तुझे मम्मा ना है मैं तुझे चल चल अगर चल करी अत काय करायचं तन तो भुब्बू रडा ना मोठी रो रडत ते भुब्बू चल पटकन करी बर आईस्क्रीम खायचं बर मूवी पाहायला पिक्चर पाहायला जायचं चल पिक्चर पाहायला जायचं चला पिक्चर पाहायला जायचं काय केलं म्हणजे काय नाही केलं मी ओके का जाई रोगी छोडेगी नाही तुमको मतलब बिलकुल नाही छोडेगी आप जाइए